हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर जो है उसमें हम रूलर्स के बारे में मेंशन करेंगे, रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द धम पॉलिसी। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर में जितने भी राजे हैं उसके बारे में हम मेंशन करते हैं। जैसे हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज़ द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बेटे बिंदुसार के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाई अशोक वाज़ सो पॉपुलर, व्हाई अशोक वाज़ सो फेमस, अशोक की दम पॉलिसी क्या थी, अशोक ने दम पॉलिसी क्यों स्टार्ट की, अशोक की दम पॉलिसी के कंटेंट क्या है, क्या अशोक की दम पॉलिसी बुद्धिज्म था, क्या अशोक की दम पॉलिसी एक नया रिलीजन था, क्या अशोक की दम पॉलिसी जो है उसको अशोक का फायदा हुआ, किस किस माइंडसेट से अशोक ने दम पॉलिसी स्टार्ट की और उसकी दम पॉलिसी को लेकर अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या ओपिनियंस दिए हुए हैं, यह भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अशोक के फादर के बारे में, बिंदुसार के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब उसने एंपायर को एक्सपेंड किया तो सेल्यूकस निकेटर के साथ उसकी क्या वार संधि हुई, क्या वार हुई, क्या कैसे क्या वार हुई और उस वार के रिलेटेड ट्रीटी कौन सी साइन हुई। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अशोक जो है सबसे बड़ा बेटा नहीं था चंद्रगुप्त, सबसे बड़ा बेटा नहीं था बिंदुसार का, लेकिन वो रूलर कैसे बन गया। यह सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे एंड ऑफ कोर्स ये जो आज की क्लास है इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसीलिए डोंट लूज द इंटरेस्ट, शुरू से साथ रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की जो लेक्चर जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। जितना भी इंडिया में, इंडिया के ऊपर साउथ से लेके नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक कोई भी एग्जाम दोगे, ये लेक्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दैट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ऑफकोर्स मौर्यन एम्पायर जो है इट इज नोन एज द मौर्यन एम्पायर, एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी that unified the Indian subcontinent. Indian subcontinent ko unhone unified kiya, founded by Chandragupta Maurya and of course flourished under the Ashok. Ashok ke under flourished hua hai. Okay, Ashok the Great and played a pivotal role in the political history of the India. Okay, so let us move. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है 321 से लेकर 297, चंद्रगुप्त मौर्य मेंटोर्ड बाय चाणक्य, चाणक्य इसका गुरु था। Founded the Mauryan Empire, he overthrew the Nanda Dynasty. Nanda Dynasty को उसने overthrow किया and एक नया रूल बनाया। Nanda Dynasty का last ruler Dhananand है, हम बहुत बार discuss कर चुके हैं Dhananand के बारे में। And of course, और उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक centralized, एक powerful empire की रचना की जिसमें चाणक्य ने बड़ा important role play किया। चाणक्य was his guru. And of course, the capital was Pataliputra, ये आपको दिख नहीं रही होगी तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पाटली पुत्र। ओके, सो पाटलिपुत्र वाज़ द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य, कई स्कॉलर इसको अलग अलग ना अलग अलग टाइम पीरियड से करते हैं। ओके, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड द फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई द मोस्ट ऑफ द इंडिया। चंद्रगुप्त इज क्रेडिटेड विद सेविंग इंडिया फ्रॉम माल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफकोर्स इसको क्रेडिट जाता है, वाई, बिकॉज धनानंद जो है देवर वेरी अनपॉपुलर, करप्ट रूलर थे धनानंद। ओके, एंड फॉरन डोमिनेशन, ऑफकोर्स फॉरन डोमिनेशन से भी बचाया एंड ऑफकोर्स एक न्यू करेंसी स्टैब्लिश की, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ जानते हैं, ऑफकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य Had a war with Seleucus Nicator. Seleucus Nicator का स्पेलिंग देख लेना अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग लोग जो है इसको अलग अलग नामों से लिखा जाता है। ऑफ कोर्स इस वार का रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, अननोन रिजल्ट हुआ। मतलब आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें लिखा हुआ इस वार का कोई रिजल्ट का कोई पता नहीं है। ऑल्दो बड़े सारे जो रिसेंटली जो टीचर्स हैं, रिसेंटली जो किताबें लिखी जा रही हैं, रिसेंट जो रेफरेंसेस किताबें, उसमें ये बोला गया कि चंद्रगुप्त ने उसको डिफीट किया, लेकिन आप ओरिजिनल पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट वॉज अननोन। उसके बाद जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी के नेचर से पता चलता है कि चंद्रगुप्त जीत गया था, अदरवाइज कहीं लिखा नहीं है कि भाई चंद्रगुप्त ने उसको हराया, लेकिन ट्रीटी में जो एक्सचेंज किया गया उससे पता चला कि चंद्रगुप्त का जो है अपर हैंड था, चंद्रगुप्त जो है वो स्ट्रांग पोजिशन में था। ऑफकोर्स द रिजल्ट वॉज अननोन बट इट वॉज एंडेड विद अ ट्रीटी। द सेलुकस निकेटर सरेंडर सर्टन एरियाज, कुछ एरियाज उसने सरेंडर किए, ये उन एरियाज के ग्रीक नेम है, एराकोशिया, एराकोशिया कंदार का रीजन है, देन गेड्रोशिया, गेड्रोशिया जो है सदर्न बलोचिस्तान है, एंड पारम दैट इज इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज पैरा पोमिसिडाई, दैट इज पैरा पोमिसिडाई जो है दैट इज द एरिया ऑफ काबुल एंड हेरत। एंड ऑफकोर्स चंद्रगुप्त ने इन एक्सचेंज उसको 500 वॉर एलिफेंट गिफ्ट किए। इसके अलावा एक जो और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं,
हु वाज सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर बेसिकली एन मैसिडोनियन आर्मी जनरल था, ऑफिशियल था, जो अलेक्जेंडर ने, जब अलेक्जेंडर यहां से मूव किया, उसने जब अलेक्जेंडर की आर्मी थक गई, जब अलेक्जेंडर की आर्मी को होम सिकनेस हो गई, जब अलेक्जेंडर ने बोला कि नहीं भाई इसके आगे मैं मार्च नहीं कर सकता, तब उसने क्या किया, अपना एक गवर्नर वहां पर अपॉइंट किया, अपना एक जो है अपना ऑफिसर अपॉइंट किया, जो है उसका नाम था सेल्यूकस, एंड ऑफकोर्स आफ्टर द अलेक्जेंडर डेथ ही बिकेम द किंग, किंग और उसका जो एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट से लेके ईरान सीरिया तक जाता था। अगेन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यो यहां पे मैं मेंशन करना जो है वो भूल गया हूं कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, उस आदमी का नाम था मेगस्थीनिस। तो मेगस्थीनिस जो है ही वॉज एन एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और मेगस्थीनिस ने किताब लिखी जिस किताब का नाम था इंडिका। इंडिका जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट बुक टू अंडरस्टैंड द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडिका ही है। ओके, नाउ सी सेल्यूकस निकेटर के बारे में समझ आ गई। 305-304 में वार हुई, रिजल्ट इज अननोन, पर एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी में जो है बड़े सारी एरिया जो है एक्सचेंज किया गया, एक दैट इज एराकोशिया गेड्रोशिया एंड जो एक जो मुश्किल नाम है जो है दैट इज पैरम मिसोडाई। ओके, ये एरिया ऑफ काबुल है, और चंद्रगुप्त ने उसके बदले उसको 500 वार एलिफेंट दे दिए, बोला खुश रहो। ओके, एंड ऑफकोर्स कंक्लूजन ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि चंद्रगुप्त जीत गया था। ओके, देन रिलीजियस बिलीफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऑफकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज्म, जैनिज्म में कन्वर्ट किया गया। इधर वॉज अ वन स्कॉलर दैट इज बद्रबाहू, बद्रबाहू ने जैनिज्म में उसको कन्वर्ट किया। जब उसने जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ देन ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो वट ही डिड, इसने अपना राजपाट जो है वो अपने बेटे को ही रिनाउंस करके उसी को हैंड ओवर किया और साउथ चला गया। साउथ में एक जगह है सरवन बेलगोला, वहां पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। किस तरीके से त्याग दिए? जो जैनिज्म की जो मेन प्रिंसिपल था दैट इज सालखेन फिलोसफी। सालखेन में क्या है, स्लो स्टारवेशन से आप क्या करते हो, आपकी डेथ आती है, आप यू डाइड विद द स्लो स्टारवेशन। दैट इज अ टिपिकल वे ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म ऑफ जैनिज्म डाइंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही अडॉप्टेड जैनिज्म, इसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बद्रबाहू, एंड ही फाइनली मूव टू श्रवण बेलगोला वेयर ही कमिटेड सालखेन, जहां पे इसकी डेथ हो गई बाय स्लो स्टारवेशन। एंड ही अनाउंस द रॉयल थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार, बिंदुसार के जो है उसको उसने रिनाउंस किया। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट नेम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज नोन एज सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस, ग्रीक टेक्स्ट में उसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से बोला गया है। ही स्पेंड हिज अर्ली लाइफ इन तक्षशिला, उसकी जो स्टार्टिंग की लाइफ है वो तक्षशिला में गई। इसके एम्पायर में उड़ीसा आता था, बंगाल आता था, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी आता था। चंद्रगुप्त वॉज अ इंपीरियलिस्ट, ठीक है ना, एक इंपीरियलिस्ट था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ही कंस्ट्रक्टेड अ सुदर्शन लेक, पहले भी डिस्कस किया था जब हमने सोर्सेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिस्कस किए थे। सुदर्शन लेक जो है ये सौराष्ट्र रीजन में बनाया गया, ऑफ कोर्स फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। किसने बनाया? इसका एक गवर्नर था पुष्यगुप्ता, तो पुष्यगुप्ता ने सुदर्शन लेक बनाई, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन मौर्यन स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है इसका बेटा जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार की जो टाइमिंग है, ही इज बिंदुसार, बिंदुसार। तो एक चीज आप नोट करिए, एक बिंबिसार भी था, बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी का था, ये मौर्यन डायनेस्टी का है। ओके, बिंदुसार मौर्य वॉज सेकेंड एम्परर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ही वॉज अ सन ऑफ चंद्रगुप्त ऑफकोर्स, जिसने लगभग कोई 25-26-27-28 साल वैसे बोला गया कि रूल किया। एग्जैक्टली अलग अलग किताबों में अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मेंशन किया गया है। ही वॉज अगेन नोन बाय द डिफरेंट नेम्स दैट इज अमित्रोचैट और अमित्र घाट, इसका मतलब है दैट इज द स्लेयर ऑफ एनिमीज। ओके, स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है, ही वॉज वेरी पावरफुल। ओके, ही वॉज नोन फॉर हिज टेरर, ठीक है, टेरर इन द हार्ट ऑफ द एनिमी, स्लेयर ऑफ द एनिमी। अमित्र घाट, मित्र हो गया फ्रेंड, अमित्र हो गया दुश्मन। ओके, दुश्मनों को घाट, मौत के घाट उतारता था ये। ओके, ड्यूरिंग हिज रूल एक्सपेंडेड मौर्य, इसने क्या किया, इसने ही वॉज अगेन अ ग्रेट इंपीरियलिस्ट, कहते हैं इसने 16 स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लाया और मौर्यन एम्पायर को साउथ इंडिया में किया।
नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और साउथ में जो है बिंदुसार ने एक्सपेंड किया. ओके, ऑफ कोर्स ही हैड अ गुड रिलेशन विद द चोलास एंड पांड्यास, इसलिए कहते हैं एक्सट्रीम साउथ में नहीं गया. देन बिंदुसार रिलेशन विद द ग्रीक्स, ही हैड अ वेरी गुड रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन. प्लिनी एक स्कॉलर है, ही मेंशन दैट किंग पटोलमी, ग्रीक किंग जो है वो पटोलमी है, उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा डियोनिसिस इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. ठीक है, डियोनिसिस को भेजा इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. बिंदुसार ने डिमांड किया स्वीट ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट फ्रॉम द ग्रीक किंग. इसको सब कुछ दिया गया लेकिन सोफिस्ट नहीं भेजा गया, क्योंकि ग्रीक्स ने बोला इट इज अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन टू एक्सपोर्ट अ सोफिस्ट. सोफिस्ट मीन्स फिलोसोफर. तो उस बिंदुसार ने बोला मुझे एक फिलोसोफर चाहिए, क्योंकि ग्रीक लैंड वॉज नोन फॉर द फिलोसोफर्स, मुझे ड्राइड फिग्स चाहिए, इट वॉज अ ड्राई फ्रूट का, और एंड ही ऑल्सो डिमांडेड स्वीट वाइन. ये चीजें उसने किससे डिमांड की? दीज थिंग्स वर डिमांडेड बाय बिंदुसार टू. बिंदुसार ने किससे डिमांड किया? इससे डिमांड किया एंटिकस से, एंटिकस ऑफ सीरिया. ये इसके साथ लिखा हुआ, इधर मत कंफ्यूज होना. तो एंटिकस ने बोला कि भाई सोफिस्ट तो नहीं भेज सकता लेकिन एक एम्बेसडर भेज सकता हूं. उसने एक एम्बेसडर भेजा डेमोकस. सो डेमोकस वाज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार सेंट बाय एंटिकस. बिंदुसार ने बड़ी सारी और चीजों का भी डिमांड किया था लेकिन उसको भेजा नहीं गया. उसने बोला सोफिस्ट ऑफिस नहीं भेज सकते भाई हम, ठीक है, हम लिविंग आदमी को एक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, परमानेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. तो एम्बेसडर भेजा रिलेशन अच्छे करने के लिए. ऑफ कोर्स अगेन बिंदुसार जो है ही वाज द मास्टर ऑफ साउथ इंडिया. ये जो तारानाथ, एक तारानाथ हिस्टोरियन है, तारानाथ कहते हैं कि ही वाज द मास्टर ऑफ टू सीस, दो सी का मास्टर था, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों का मास्टर जो है ही वाज बिंदुसार. ओके, देन बिंदुसार रिलीजियस बिलीव, ही ज्वाइन आजीविका सेक्ट. आजीविका सेक्ट में बिलीव करता था, ही वाज द फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट एक प्रोपाउंडेड बाय नेकेड फकीर्स, वांडरिंग एसेटिक्स. और इस सेक्ट का फाउंडर कौन था? मखाली घोषाल. और हमने जैनिज्म के क्लास में डिस्कस किया था, मखाली घोषाल वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर. महावीर का कंटेम्प्रेरी था. और ये बिलीव किसमें करते थे? ये बिलीव करते थे डिटर्मिनिज्म में. दे बिलीव इन नीतिवाद, दे बिलीव इन फेटलिज्म, दे बिलीव के हर एक चीज जो है वो प्री डिसाइडेड है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आदमी की डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, आदमी जो है हेल्पलेस है इस दुनिया में, कुछ कर नहीं सकता है. आजीविका बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ नीतिवाद और फेटलिज्म, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी. एंड व्हाट इज एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और फेटलिज्म? बिलीव दैट इवेंट सच एज एक्शन एंड अकरेंस इन लाइफ आर डिटरमाइंड बाय फेट, फेटलिज्म. ओके, and are beyond the capacity of human to change it, to control it. It can also be defined as a belief that destinies are ruled by an unseen power or are played out inevitably rather than by one's own will. आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, यह आजीविकास बोलते हैं, नीतिवाद की फिलॉसफी है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के कंटेम्पररी थी और बिंदुसार उसका फॉलोअर था. बिंदुसार ने क्या किया? बड़ी सारी केव की कंस्ट्रक्शन की और उसको डेडिकेट किया गया आजीविका सेक्ट को. ओके, देन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसार वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई. बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था सुशीमा, सुमन, इसको सुमन भी बोलते थे, सुमंत भी बोलते थे, सुशीमा भी बोलते थे. ही वॉज द गवर्नर एट तक्षशिला, तक्षशिला का गवर्नर था, लेकिन इतना एफिशिएंट आदमी नहीं था. बिंदुसार चाहता था कि यही रूल करे. ओके, देन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई सुशीमा के बीच में और अशोक के बीच में, और अशोक वॉज विक्टोरियस. अशोक जीत गया. अशोक इसलिए जीत गया क्योंकि अशोक जो है कैपेबल तो था ही था. एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाई वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, हिज नेम वॉज राधागुप्त. राधागुप्त ने इसकी हेल्प की. एंड हु वॉज राधागुप्त? राधागुप्त वॉज द सन ऑफ विष्णुगुप्त. एंड हु वॉज विष्णुगुप्त? ही वॉज चाणक्य. तो कहते हैं उसके बेटे ने जो है उसकी हेल्प की. ओके, एंड ऑफ कोर्स ही बिकम द रूलर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा बोल गए हैं, 99 तो हो नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल. बुद्धि सोर्सेस कहते हैं ही बिकम द रूलर आफ्टर किलिंग द 99 ब्रदर्स, लेकिन ऑफ कोर्स ही किल्ड हिज ब्रदर्स. ठीक है, 5-7 भाइयों को मारा होगा एंड ही बिकम द रूलर. अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स बिंदुसार डाइड अराउंड दिस एंड दैट एंड हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द 4-year स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन. ओके, एंड ऑफ कोर्स बिंदुसार के टाइम पीरियड में ही एक तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था. There was a revolt at Takshila. Takshila में revolt हुआ था एक. Just wait, 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 wait. Revolt Takshila में हुआ था. ठीक है. Revolt क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे corruption बहुत ज़्यादा हो गई थी.
और जो सुमन था सुशीमा जो था उसको फेल हो गया सप्रेस करने में, और अशोक को भेजा गया। अशोक जो है उज्जैन का गवर्नर था और अशोक ने उस रेबिलियन को बड़े प्रॉपर तरीके से सप्रेस किया। और कहते हैं इसी सप्रेशन के बाद अशोक सडनली बिकेम वेरी पावरफुल। अशोक का सेल्फ बिलीफ जो है वो भी मल्टीप्लाई हुआ और उसको लगा कि मैं ही कैपेबल हूँ रूल करने के लिए। वो जो बड़ा भाई था उसका सुशीमा, जो क्राउन प्रिंस था, ये युवराज था, उसको बोला यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू रूल द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो दिस इज हाउ द वॉर ऑफ सक्सेशन तक्षशिला उज्जैन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अशोक। ओके, ये मैंने जो है गूगल से इमेज ली हुई है, जरूरी नहीं थी कि अशोक ऐसे ही थे। ओके, अशोक जो है अगेन अशोक द थर्ड ग्रेट रूलर, ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का सबसे महान रूलरों के बीच में जो है अशोक आता है, ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट रूलर। He was a grandson of the Chandragupta Maurya, son of Bindusar. Ashok ruled the entire Indian subcontinent, except south part ko chhodke Ashok ne jo hai sabhi area mein rule kiya. Ashok, jaise Bindusar ki death hui, Ashok aur uske bhaiyon ke beech mein jo hai war of succession hua. And of course, he was capable and he succeeded in the war of succession. Ashok ki jo mother hai, unka naam tha, that is Subhadrangi. सुभद्रंगी जो है बिंदुसार हैड नंबर ऑफ वाइफ्स एंड सुभद्रंगी वाज वन ऑफ द वाइफ। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वाइफ्स ऑफ द अशोक आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द अशोक, अशोक के अलग अलग नाम है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देवम पिया भी उसका नाम है, दैट इज बिलव्ड ऑफ गॉड। पिया दासी भी नाम है जिसका मतलब है प्लीजिंग अपीयरेंस। अशोक वरदान, बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में अशोक वरदान इसका नाम जो है वो मैंशन किया गया है। देन अशोक उसका पर्सनल नेम है, अशोकवासी पर्सनल नेम, अशोक द ग्रेट ये स्कॉलर्स उसको बोलते हैं, सम्राट अशोक भी है। देवम पिया, पिया दासी ये उसका कंप्लीट टाइटल है। तो अशोक वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स, देवम पिया, पिया दासी, अशोक द ग्रेट, अशोक सम्राट, अशोक वरदान, देन उसके बाद दैट इज देवम पिया, पिया दासी पूरा नाम, फिर देवम पिया कहीं पे अकेला है, पिया दासी कहीं पे अकेला है, और अशोक उसका पर्सनल नेम है। बस्की में जो मस्की रॉक एडिक्ट है, मस्की में उसके फुल सिग्नेचर है। ओके, लुम्बिनी माइनर पिलर में भी है और मस्की रॉक एडिक्ट में भी है। ऑफ कोर्स अशोक हैड नंबर ऑफ वाइफ्स, देवी जो है वो सबसे पहली वाइफ थी उसकी, देवी, जब अशोक जो है ही वाज गवर्नर एट देवी जो है व्हेन ही वाज गवर्नर एट उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में उसकी शादी हुई थी सबसे पहली, जिसकी बीवी का नाम था देवी। ओके, और ये जो संघमित्रा और महेंद्र जो है उसने जो बच्चे अपने भेजे थे श्रीलंका में, वो कहते हैं कि देवी के ही बच्चे थे, देवर द सन्स ऑफ द देवी। ओके, दे वर द सन्स ऑफ द देवी। देन अगेन वाइफ असंधि मित्रा, चीफ क्वीन, मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। देन कौरवकी जो है मदर ऑफ प्रिंस तिवारा, ओनली वाइफ ऑफ अशोक मेंशन इन द रॉक एडिक्ट, दैट इज कौरवकी, और उसका बेटा जो है तिवारा जो है वो भी मेंशन किया गया है। ऑफ कोर्स पद्मावती, अनदर वाइफ ऑफ अशोक, पद्मावती, और इसका एक बेटा है दैट इज कुणाल, जो बाद में रूलर भी बनता है। एंड तिसारक्तिका, कहीं पे तिसारक्षता भी बोला गया है। व्हाई तिसारक्ति वाज पॉपुलर, शी वाज सो मच जेलस, she tried to cut down the bodhi tree, इसने बोधी ट्री को काटने की भी कोशिश की। सो देवी, असंधि मित्रा, कौरवकी, पद्मावती, तिसारक्तिका, ये उसकी वाइफ्स हैं। आप उसके पर्सनल नेम क्या हैं, पिया दासी, देवम पिया, अशोक सम्राट, अशोक वरदान, अशोक, अलग अलग नाम हैं उसके। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अशोक के टाइम पीरियड की जो लाइफ टर्निंग इवेंट था उसका, दैट इज द बैटल ऑफ कलिंग, 261 में हुआ। कलिंग जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है। डिवास्टेटिंग बैटल हुई कलिंग की, ठीक है, जिसमें बड़े सारे लोग मारे गए। इंपैक्ट पड़ा अशोक पे पर्सनल इंपैक्ट उस पर बहुत ज्यादा पड़ा कलिंग वार पे। एम्पायर की एक्सपेंशन भी हुई। ओके, नाउ सी, एक चीज आप नोट करें, दिस इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वो चंद्रगुप्त ने कैप्चर किया था, ये बिंदुसार ने किया था। देयर इज ओनली वन प्लेस जिसको अभी तक कंकर नहीं किया गया था, दैट वाज द कलिंग एरिया। ये कलिंग एरिया अशोक ने कैप्चर किया, और इस कलिंग एरिया की कंक्वेस्ट के बाद कहते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर की कंक्वेस्ट जो थी, इट वाज फिनिश्ड, कवर हो गई थी। ओके, कंप्लीट हो गई थी इंपीरियलिज्म उसका। अगेन बैटल ऑफ कलिंग, व्हाई कलिंग वाज इंपॉर्टेंट, अगर हम यहां पे इसकी बात करें, कलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, कलिंग स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। कलिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कलिंग साउथ इंडिया के रूट को भी कंट्रोल कर रहा है। कलिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाप ने नहीं कैप्चर कर पाया, उसका बाप, उसका दादा कैप्चर नहीं कर पाया, बिंदुसार नहीं कैप्चर कर पाया, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कर पाया, तो ये उसका प्रेस्टीजियस इश्यू भी बन गया था अशोक के लिए, एक ईगो का इश्यू भी बन गया था अशोक के लिए। ओके, सो कंट्रोल द साउथ ट्रेड, लोकेटेड इन अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नीदर चंद्रगुप्त मौर्य नॉर हिस्सन बिंदुसार, बिंदुसार भी लिखा जाता है,
okay, try to bring Kalinga, but they were failed, so it became a prestigious issue for Ashoka. And according to scholars, ऐसे NCERT का objective नहीं है ये, राजा अनंत पद्मनाभा जो है, he was a ruler of Kaling जब Kaling war हुई. अब हुई कैसे? Kaling is known as Odisha and parts of Andhra Pradesh. पुराना नाम उड़ीसा का कहते हैं कि Kaling ही था. Kaling जो है, it was a conflict between the Mauryan Empire and the state of Kaling, though 261 में start हुआ. War was fought in ancient India and it is considered to be one of the deadliest battle in the history of India. तो इस वॉर में कहते हैं 1 लाख से लोग ज्यादा मारे गए और 1.5-2 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए. Kaling वॉर वॉज फॉट ऑन दया रिवर. दया रिवर जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और ऐसा बोला जाता है कि Kaling में इतना मैसेकर, इतना ब्लड शेड हुआ कि दया रिवर का जो पानी जो है वो पूरा पूरा लाल हो गया पानी. तो इस तरीके से उसकी Kaling वॉर की डिस्क्रिप्शन जो है स्कॉलर्स जो है वो देते हैं. Kaling वॉर वॉज इंपॉर्टेंट Kaling वॉर. अब इस Kaling वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहला कि अशोक को ट्रांसफॉर्म कर दिया. ओके, अशोक ट्रांसफॉर्म्ड अशोक इनटू अ पीसफुल एंड अ स्टेबल रूलर. पीसफुल हो गया वो. क्यों पीसफुल हो गया? क्योंकि उसने इतना वॉर इतना ब्लडशेड हुआ कि कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया. कहते हैं ही वॉज फिल्ड विद रिमोर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद रिग्रेट, ऐसा बोला जाता है. लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि इसके बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन और स्टेबल इसलिए हुआ, देयर वाज नो मोर एरिया वाज टू कंकर, उसने सारा एरिया कंकर कर चुका था. ओके, द वॉर लेड टू द डेथ ऑफ ओवर 1 लाख सोल्जर्स एंड 150,000 सोल्जर्स गॉट इंप्रिजनमेंट और इंजर्ड. अशोक रिपेंटेड द सफरिंग ही कॉज्ड, ही वॉज फुल ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स. देन ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फॉर द प्रमोशन ऑफ धर्म और धम. इस धर्म को धम भी बोला गया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ धम और धम्मा डिवोटेड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. इसने अपनी पॉलिसी चेंज की, बैरी घोष से दम घोष कर दी गई. मतलब कहते हैं कि जब नगाड़े बज रहे थे बैरी के, हेटेडनेस के, अब इसने बोला आप नगाड़े बजेंगे किसके? दम के नगाड़े बजेंगे. ओके, हिज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. पहले उसको काम अशोक बोलते थे, काम अशोक से चंड अशोक हो गया. नाउ ही बिकेम दम अशोक हो गया. ओके, चंड अशोक मतलब व्हेन ही वाज सो क्रूअल, व्हेन ही किल्ड हिज ब्रदर, देन ही वेंट फॉर द Kaling वॉर. ओके, देन द पॉलिसी फ्रॉम द नॉन वायलेंस से धर्म विजय की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, दैट इज विक्ट्री थ्रू धम पॉलिसी. सो इट हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन द अशोक्स लाइफ. अशोक की लाइफ का 2-3 इंपैक्ट ये पड़ा. सबसे पहले उसने वॉरफेयर छोड़ दिया. देन कहते हैं इसी दौरान जो है उसका मेंटली जो है वो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गया, ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. देन उसने एक नई पॉलिसी लाई, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ धम पॉलिसी या धर्म पॉलिसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ अशोक कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, दैट इज द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ द Kaling वॉर. एम्ब्रेसिंग अ न्यू फेथ, देन जिसका असर गवर्नेंस में भी पड़ा, और फाइनली उसने बुद्धिज्म को भी प्रीच किया इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये इंपैक्ट पड़ा था उसका. ओके, Kaling वॉर के बाद ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. कहते हैं देर वॉज वन स्कॉलर लाइक उपागुप्त, उपागुप्त ने इसको कन्वर्ट किया. कुछ लोग बोलते हैं देर वॉज अनदर भिक्षु, दैट इज निगरोध, निगरोध ने इसको कन्वर्ट किया. ओके, दोनों के ऊपर चर्चा है कि कन्वर्ट किसने किया. ऑफकोर्स गुड गवर्नेंस होगी. क्यों गवर्नेंस होगी? क्योंकि इसने दम पॉलिसी अडॉप्ट की, है ना, दम पॉलिसी अडॉप्ट की. एंड ऑफकोर्स उसके बाद इसने क्या किया, बुद्धिज्म को प्रीच किया, क्योंकि उसने 250, अगर आपको पिछली क्लासेस याद है, 250 में उसने बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पैट्रनाइज की, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई. और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अलग अलग जगह जो है अलग अलग उसने आदमी जो है बुद्धिज्म के प्रीच बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए उसने भेजे. ओके, देन सक्सेसर ऑफ अशोक, अशोक की डेथ के बाद क्या हो गया? नाउ सी दिस इज अशोक, दैट इज पैट्रनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सिलोन, प्रिंस ऑफ सिलोन. सीलोन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है. प्रिंस ऑफ सिलोन मोगली पुत्र टिस्सा. देन अशोक ने अपने बच्चे भेजे, दैट इज महिंद्र एंड संगमित्रा टू द साउथ. सिलोन में श्रीलंका में भेजे गए. ओके, देन अशोका फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर. ओके, देन द सक्सेसर ऑफ अशोक, अशोक की डेथ जो है 335 में हुई. उसकी डेथ के बाद जो है एम्पायर जो है इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स,
वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न हाफ, एक पार्ट का उसका जो है कुनाल जो है वो रूलर बना, एक पार्ट का दशरथ रूलर बना। कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं राजतरंगिणी कलहन की ये कहती है कि भाई उसका जो सन है जालुका, ही बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, जालुका जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर बना कश्मीर का, और उसने जो है वहां पे शैविज्म इंट्रोड्यूस किया। शैविज्म ये अशोक ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, देन द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहद्रथ, ही वाज किल्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने जो है लास्ट रूलर को जो है वो ही किल्ड द लास्ट रूलर, दिन दहाड़े ही उसको मार दिया गया और एक नई डायनेस्टी आई। अशोक के बाद और रूलर आए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एंड हुआ, इट वॉज एंडेड, इट हैपन इन 185 BC, अशोक डाइड इन 235, तो लगभग 50 साल और रूल किया गया, अलग अलग आदमी है, बट दे वर नॉट कैपेबल इनफ टू रिवाइव द मौर्यन एम्पायर एंड अल्टीमेटली मौर्यन एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन होता है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि उसके डिक्लाइन का रीजन क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट वॉज अ दम पॉलिसी ऑफ अशोक, इसमें हम डिस्कस करेंगे दम का मीनिंग क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स का ओपिनियन क्या है, वाई ही प्रीच दम, दम को उसने क्यों प्रीच किया, कंटेंट ऑफ दम क्या है, हाउ ही प्रीच दम, दम को कैसे प्रीच किया गया, इम्पैक्ट ऑफ दम क्या है, क्या दम रिलीजन है, ये सारे आस्पेक्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अशोक की दम पॉलिसी को लेके। सबसे पहली बात जो है धर्म जो है और धम जो है ये प्राकृत शब्द कहां से आया है, ये आया है धर्म से। धर्म का मतलब रिलीजन है, रिलीजन मतलब संस्कृत में बोला है इसका मतलब है रिलीजन, लेकिन अशोक का दम जो है इट वॉज नॉट अ रिलीजन, ये रिलीजन नहीं है, इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ, इट वॉज कोड ऑफ कंडक्ट, इट वॉज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये अशोक के कुछ सेट प्रिंसिपल्स थे जिसपे उसने अपने सब्जेक्ट्स को अपने ऑफिशियल्स को चलने के लिए बात की गई। ऑफकोर्स अशोक दमा वॉज सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ओके, जो प्रीच जो एम्परर ने खुद प्रीच किए। इन लाइट ऑफ इंडियन कल्चर, अगर हम इंडियन कल्चर की ही बात करें तो दम जो है जिसका मतलब धर्म भी है, तो उसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं रहता, उसका मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। जब हम बात करते हैं पितृ धर्म की बात करते हैं, ओके, तो उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। जब हम बात करते हैं राष्ट्र धर्म की, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लैंड, मदरलैंड। और अगर हम बात करते हैं भ्रातृधर्म की और भ्राता धर्म की, भ्रातृधर्म और भ्राता धर्म एक ही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ब्रदर। सो दम धर्म सेम है, लेकिन अशोक ने जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, एटलीस्ट इट वॉज नॉट अ रिलीजन, वो रिलीजन नहीं था, इट वॉज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब हम बात करेंगे अलग अलग स्कॉलर्स के ओपिनियन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोमिला थापर ये कहती है कि भाई वो एम्पायर को यूनिफाइड करना चाहता था, उस अपने इतना ही टू फोर्ज द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन हिज एक्सटेंसिव एम्पायर, ही लेफ्ट नो अदर चॉइस, ही केम विद अ न्यू आइडिया एंड दैट आइडिया वॉज दम, के एम्पायर को यूनिफाई कैसे कर सके। क्यों? उस टाइम पीरियड में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविकास है, देन ब्राह्मणिज्म है, वैदिक रिलीजन है, बड़े से ट्राइबल पॉपुलेशन है, बड़े सारे लोगों का रिलीजन का पता ही नहीं है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्या देना है। कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए उसने एक नई पॉलिसी डिवाइस की, दैट इज अ दम। रोमिला थापर यह कहती है कि इट वॉज अ पोलिटिकल टूल, अशोक वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है कि भाई कलिंग वार के बाद जो है वो इमोशनल हो गया, नहीं, कोई इमोशनल नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज उसके लिए क्या है कि इस एम्पायर को कंट्रोल कैसे रखा जाए। ओके, देन देयर वाज अनदर स्कॉलर दैट इज जेएफ फ्लीट, ही वाज सेइंग इट वाज द कंडक्ट फॉर हिज ऑफिशियल, इट वाज राजधर्म, राजधर्म था लोगों के लिए कि भाई कंडक्ट उसका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। देन आर के मुखर्जी कहते हैं इट वाज अ क्रक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सभी रिलीजन का जो है वो निचोड़ है, अच्छी वैल्यू जो है दैट वाज द दम। आर एस त्रिपाठी कहते हैं इट वाज यूनिवर्सल इन नेचर, सबके लिए अप्लीकेबल था, सभी रिलीजन धर्म जो है इसमें आ सकते थे। सिनार्ड जो है एक फ्रेंच स्कॉलर है, ही वाज सेइंग इट वाज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ही है, सिनार्ड कहता है ये बुद्धिज्म को ही प्रीच करने का अलग तरीका है। एंड डी आर भंडारकर भी ये कहते हैं इट इज अ सिंपल वर्जन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को जो है उसने और सिंप्लीफाई करके दम पॉलिसी दे दी। देन व्हाई ही प्रोपाउंडेड दम, दम पॉलिसी उसने क्यों प्रोपाउंड की, व्हाई ही प्रोपाउंडेड दम, बिकॉज इट वॉज अ ऐसी इसलिए की गई क्योंकि अशोक वॉज हिमसेल्फ वॉज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, इट वॉज द आउटकम ऑफ अ प्रोग्रेसिव एंड लिबरल रूलर। एक लिबरल और प्रोग्रेसिव रूलर ही ऐसी चीजें ला सकता है, इसका कोई रीजन नहीं है।
देन ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द पैटर्नल एंड वेलफेयर आउटलुक ऑफ द सब्जेक्ट. वो अपने सब्जेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह मानता था, इसलिए वो चाहता था कि सभी बच्चे एक ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करें. देन ही वॉज कंसर्न ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, क्योंकि जो धर्म छम दम पॉलिसी है वो इगलिटेरियन है, जो दम पॉलिसी है वो पेट्रियार्किकल नहीं है. वो सारे सब्जेक्ट जो है एक ही वे से अगर प्रोग्रेस करेंगे तो दम पॉलिसी उनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है. देन दम जो है प्रपाउंडेड वॉज प्रपाउंडेड बाय अशोक टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन, इसलिए उसने किया. देन अशोक वॉज अवेयर कि भाई सोशो पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मीन से उसकी एक लिमिटेशन है, स्टेट हर जगह नहीं पहुंच सकती है, हर जगह स्टेट की मशीनरी नहीं अवेलेबल हो सकती है. देन ये रियलाइज कि भाई जो सोशल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स है उसकी लिमिटेशन है, उसके थ्रू जो है सभी सब्जेक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो प्रीच द मैसेज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दम के थ्रू जो है वो एक पीसफुल मैसेज भी देना चाहता था. देन नंबर नेक्स्ट कंटेंट ऑफ हिज दम पॉलिसी, उसकी दम पॉलिसी का कंटेंट क्या है. अशोक के जो पिलर्स रॉक एडिक्ट हैं और जो उसके पिलर एडिक्ट हैं, वहीं से हमें उसके कंटेंट के बारे में पता चलता है. जैसे जो पिलर सेकंड पिलर एडिक्ट में जो है वो दम पॉलिसी को डिफाइन करता है, साथ पिलर सेवन में भी अशोक की दम पॉलिसी डिफाइन होती है. देन फॉर एग्जांपल पिलर टू में जो है वो डूज और डोंट डूज की बात करता है कि भाई ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए, वो भी दम का पार्ट है. मतलब एक काम को एप्रिशिएबल वर्क बोला जाता है, एक को नॉन एप्रिशिएबल बात की जाती है. ये कंटेंट है दम पॉलिसी के, कि दम पॉलिसी है क्या, डिफाइन कैसे करोगे. तो दम पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए वी नीड द सपोर्ट ऑफ हिज पिलर एडिक्ट एंड हिज मेजर 14 मेजर रॉक एडिक्ट. उसमें पिलर एडिक्ट में नंबर दो में जो है नंबर टू पिलर जो है वो खुद अपने से बात करता है, व्हाट यू मीन बाय दम, कि दम क्या है, व्हाट इज दम, और रिप्लाइज फिर सेकंड में भी करता है और साथ में पिलर में भी करता है. सिमिलरली अशोक का जो मेजर रॉक एडिक्ट 5 मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि उसने स्पेशल अपॉइंटमेंट की ऑफिसर्स की जिसको दम्मा महामाता से बोला गया है टू प्रीच द दम पॉलिसी. ऑफ कोर्स द फर्स्ट कैटेगरी जो उसकी दो कैटेगरीज हैं, उसमें जो है फर्स्ट कैटेगरी में जो है एप्रिशिएबल बिहेवियर है और दोनों में जो है डिस्करेज बिहेवियर है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, अगर हम नेचर ऑफ दम की बात करें तो दम वॉज लिबरल सिंप्लिसिटी एगलिटेरियन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन वायलेंट कॉस्मोपोलिटन पीसफुल कोएग्जिस्टेंट कॉम्प्रीहेंसिव इन आउटलुक है. तो दम का नेचर जो है वो बड़ा ज्यादा वाइड है, कॉम्प्रीहेंसिव है, इंक्लूसिव है. अब ये आ गया कि एप्रिशिएबल बिहेवियर क्या होना चाहिए, दम पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मतलब टू डू में क्या आना चाहिए और नॉन अवॉइडेबल चीजें क्या होनी चाहिए. ठीक है, जैसे एप्रिशिएबल बिहेवियर में बोलता है रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट, डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड श्रमण्स कल्चर. श्रमण्स वो लोग थे, भिक्षु लोग थे जो घर बार त्याग चुके जाते थे, जैसे बुद्धिस्ट थे, जैसे जैन मॉन्क्स थे. देन ट्रूथफुलनेस की बात करता है, नॉन वायलेंस, फेथफुलनेस, पिटीनेस, काइंडनेस, रिलीजियस टॉलरेंस, गुड वर्ड्स, ये सारे एप्रिशिएबल बिहेवियर हैं. और अवॉइडेबल बिहेवियर कौन से हैं, अवॉइडेबल बिहेवियर हैं दैट इज अ जेलसी, दैट इज अ ग्रीडी बिहेवियर, दैट इज अ डिसेप्शन, दैट इज प्राइड, दैट इज एंगर, दैट इज अननेसेसरी रिचुअल, दैट इज सुपरस्टिशियस एक्टिविटी. ये सारा बोलता है इसको अवॉइड करो और इस चीजों को क्या करो, अवॉइड एक्सेप्ट करो. यही सारा कंटेंट है दम पॉलिसी का. दम कोई धर्म नहीं है, दम कोई रिलीजन नहीं है, दम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है. ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें दम को इसने प्रोपगेट कैसे किया, ऑफ कोर्स उसने रॉक एडिक्ट्स की मदद ली, ऑफ कोर्स उसने फिर कॉमन लैंग्वेज में लिखवाया गया. दम वॉज रिटन द यू कैन से दैट एडिक्ट्स 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 जो है वर रिटन इन कॉमन लैंग्वेजेस. देन वेलफेयर मेजर्स जो है वो भी दम पॉलिसी के साथ जोड़े गए. देन अपॉइंटमेंट ऑफ दम्मा महामातास, ये स्पेशल ऑफिसर थे जो फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट में हमें मिलते हैं. देन रॉयल ऑफिशियल्स को भी बोला गया कि भाई टाइम टू टाइम विजिट किया जाए और अशोक की पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए. देन रॉयल एम्बेसडर्स जो है वो भेजे गए. देन पब्लिक डिस्कोर्सिस क्रिएट की गई, मतलब के डिस्कशंस हुए, कॉन्फ्रेंसिस हुए, सेमिनार्स हुए, डिबेट्स हुई दम पॉलिसी पे. देन ऑफकोर्स एग्जीबिशंस भी लगाई गई, अलग अलग तरीके से नुक्कड़ डांस भी, नुक्कड़ नाटक भी किए गए दम पॉलिसी को जो है प्रीच करने के लिए. ओके, देन अब हम बात करेंगे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की और दम पॉलिसीज के रिलेटेड. जैसे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है उसमें ही दम का कंटेंट भी मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में वो क्या करता है, वो बोलता है नॉन वायलेंस की बात करता है. इट मींस दम मींस नॉन वायलेंस आल्सो. इसमें वो क्या करता है, एनिमल सेक्रीफाइस को जो है वो प्रोहिबिट करने की कोशिश करता है. सेकंड में जो है वो वेलफेयर मेजर्स की बात करता है कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स नॉट ओनली फॉर मेल, नॉट ओनली फॉर मैन बट आल्सो फॉर द एनिमल्स.
थर्ड में जो है डिक्लेयर करता है रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फोर्थ मेजर आर्गुमेंट में नॉन वायलेंस की फिर से बात करता है। फिफ्थ मेजर आर्गुमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द दम्मा महामातास। ओके, ये वो ऑफिशियल्स थे जो दम पॉलिसी को प्रीच करने के लिए अशोक ने अपॉइंट किए थे। देन सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट में जो है इंस्ट्रक्शन टू दम्मा महामातास। सेवंथ रॉक एडिक्ट में रिलीजियस टॉलरेशन की बात की गई है। एट्थ रॉक एडिक्ट में वो दम यात्रास की बात करता है कि भाई पहले एम्परर हंटिंग एक्सपीडिशन करता था, मौज मस्ती होती थी, ठीक है, पहले विहार यात्रास होती थी, अब क्या है दम यात्रास है। पहले क्या होता था घूमना फिरना होता था, विहार यात्रास, अब क्या है दम यात्रा से। ओके, एंड ऑफ कोर्स अशोक जो है बोध गया में गया था, ठीक है। देन नाइन्थ में ऑफ कोर्स ही अटैक्ड अबाउट द सेरेमनीज, ही टॉक्स अबाउट दैट इज वन शुड नॉट इंडल्ज इन सुपरस्टिशन, वन शुड नॉट इंडल्ज इन द अननेसेसरी एक्सपेंसिव सेरेमनीज। टेंथ रॉक एडिक्ट में ही सेड के भाई वन शुड बी फॉलो अ वेरी सिंपल लाइफ, वन शुड डिनाउंस द फेम एंड ग्लोरी। इलेवंथ रॉक एडिक्ट में दम्मा के प्रिंसिपल्स को फिर से एम्फेसाइज किया गया एल्डर्स के लिए। देन एनिमल सेक्रीफाइसेस की को मना किया गया। देन ट्वेल्थ में रिलीजियस टॉलरेशन की जो है वो बात की गई। एंड दिस इज जो आपका ये जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे लेंथीएस्ट है और यही कलिंग वार के बारे में भी मेंशन करता है। ओके, दम पॉलिसी के बारे में कॉम्प्रिहेंस करता है। देन दम पॉलिसी इंस्टेड ऑफ वॉर मेंशन अबाउट दैट इज इट आल्सो मेंशन अबाउट अशोक्स विक्ट्री ओवर कलिंग, इट आल्सो मेंशन अबाउट द कंटेम्पररी रूलर्स एंड द अगेन इट आल्सो मेंशन अबाउट हिज कंटेम्पररी ग्रीक रूलर्स, ठीक है, चाहे वो एंटिकस है, चाहे वो पटोलमी है, चाहे मगस है, चाहे एंटीगोनस है, चाहे वो अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस है। और जो 14th मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो ओवरऑल फिर से बात करता है कि इस मेजर रॉक एडिक्ट का पर्पस क्या है। सो दीज 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द दम पॉलिसी, व्हाट यू मीन बाय दम, अदरवाइज कहीं पे किसी किताब में नहीं लिखा गया है। दम पॉलिसी को उसने पिलर्स आर रॉक एडिक्ट्स में ही मेंशन किया गया है। अब अगर हम पिलर्स की बात करें, पिलर, तो फर्स्ट पिलर जो है, आप देखो मैंने सेकंड में क्या बोला था, ही डिफाइंस दम, दम को डिफाइन करता है किसके साथ करता है, कंपैशन ट्रूथफुलनेस वर्चू के साथ। देन अगर हम सात की बात करें, अगेन वो क्या करता है सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड की बात करता है। देन पॉलिसी ऑफ दम की जो है वो फिर से बात करता है सिक्स मेजर रॉक एडिक्ट में, सिक्स पिलर एडिक्ट में। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजू कास, राजू कास ऑफिशियल से। देन लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स टू बी किल्ड ऑन अ सर्टन डेज एंड नॉट ऑन किल्ड एट ऑल, कि भाई उन्हें हमेशा नहीं मारना है। अशोक बिल्कुल नॉन वायलेंस कंप्लीटली नहीं करता है, लेकिन वो बोलता है कि एज मच एज पॉसिबल एनिमल सेक्रीफाइसेस कम होने चाहिए, एज मच एज पॉसिबल उनकी कंजम्पशन जो है वेजिटेरियनिज्म की इनडायरेक्ट बात करता है, इंपोज नहीं करता है वो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दम, कि टॉलरेंशन की बात है, स्पेस दिया गया है, फ्रीडम दी गई है, लिबर्टी दी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दम पॉलिसी एंड ऑफ कोर्स इंपैक्ट ऑफ दम। ऑफ कोर्स इट स्ट्रेंथन द मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन को स्ट्रेंथ किया, सोशल रिलीजियस ऑर्डर को मेंटेन किया। अशोक के रूल में कोई रेबिलियन कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, रिवोल्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कोई रेबिलियन और कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। दम पॉलिसी एंश्योर किया अशोक को एथिकल मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड इट ग्रेटली स्ट्रेंथन द सॉफ्ट पावर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ रिलीजन दम जो है, इट वॉज मोर अबाउट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्वालिटीज, इस पे बात की गई है, वे ऑफ लाइफ की बात की गई है, प्रिंसिपल्स की बात की गई है, धर्म की बात नहीं की गई है। और ना ही धर्म दम पॉलिसी जो है किसी तरीके से अशोक ने अटेम्प्ट किया टू प्रमोट द बुद्धिज्म, अगर उसको बुद्धिज्म प्रमोट ही करना होता, ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर, ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ रूलर के भाई कुछ ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, राज्य को सेकुलर होना चाहिए या रिलीजियस होना चाहिए। उसने ये जो दम पॉलिसी अडॉप्ट की है उसकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, ठीक है। दम जो है अगर बुद्धिज्म ही होता, वो जैन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सपोर्ट करता, उनको पेट्रोनेज देता, बट इंस्टेड ही अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिशियल्स दम्मा महामातास जो दम के प्रिंसिपल्स में ट्रेंड थे कि किस तरीके से दम पॉलिसी जो है वो प्रमोट करनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन, द मौर्यन एम्पायर विद इट्स रिमार्केबल हिस्ट्री एंड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन एंशियंट इंडिया रिमेन्स अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू द राइज ऑफ अशोकास दम। तो ये जो मौर्यन एम्पायर की जो लेगेसी जो है वो एंड्योर करती है और हमें इंस्पायर करती है इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल, स्पेशली अशोक की दम पॉलिसी। दैट इज वन ऑफ द रीजन दो इंडियन रूलर्स हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट लिखा जाता है, वन इज अशोक एंड अदर इज अकबर, क्योंकि दोनों ने जो है सिचुएशन इंडिया की जो सोशो
पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डायनेमिक्स को समझा एंड उनको एक कंक्लूजन पे आए कि एक पर्टिकुलर फेथ को जो है ज्यादा स्पेस दोगे तो इट वुड क्रिएट डिसहार्मनी. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन अशोक वॉज ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज धम्म पॉलिसी. अकबर वॉज ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस आउटलुक. ही ऑल्सो क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट इज तौहीद इलाही या दीन इलाही, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वहां पे पहुंचेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर, आर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर. थैंक यू.